बहुत घुमा हुआ है ऐसे कैसे विश्वास मान ले अरे नहीं मैं रखे आप हमें दबा रहे हैं आप यही रखी रहे हाँ तो हमसे भी आप नहीं हम रखे हैं चलो हमीरपुर जनपद की सदर कोतवाली इलाके में पीआरडी जवान की ठंड लगने से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जहां आधा सैकड़ा से अधिक पीआरडी जवानों ने एसपी कार्यालय के बाहर रोड पर शव को रखकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ सदर ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम पतारा निवासी कृष्ण दत्त ने लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उनके पिता राजेंद्र कुमार पीआरडी में कार्यरत थाना विभाग में तैनात हैं और 19 दिसंबर को ड्यूटी से जाते समय ठंड लगने से परिजनों के जिला चिकित्सालय हमीरपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में बेहद हालत खराब होने पर जिला चिकित्सालय हमीरपुर से हेलट कानपुर ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं थाना कुरारा पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। वहीं 29 दिसंबर को मृतक पीआरडी का शव परिजनों और आधा सैकड़ा पीआरडी जवानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रोड पर रखकर सौ रखकर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आगे खातिर इनका कार्यक्रम होना है, कैसे क्या करेंगे, कोई खेती बाड़ी उनसे है नहीं है। ऐसे अपना कर खा रहे थे, क्या पीआरडी में काम कर रहे थे, अब वो जो ठंड के कारण वो ख़त्म हो गए, ठंडे लग गए, बीमार जाते थे आते थे। उन्हीं के बच्चों के बारे में जो है कुछ प्रशासन जो है मान लो बच्चों, मैं उनका भाई हूँ, हाँ भाई है। क्या नाम है? सुरेश चंद। क्या मामला है? मामला ये है कि ये पीआरडी में तैनात थे, बीमार थाने में इनकी ड्यूटी थी, वहाँ से आते जाते थे, आते जाते समय इनको ठंड लग गई। चार बच्चे हैं छोटे छोटे, हम शासन से मांग करते हैं कि इनकी ये पढ़ाई लिखाई करते हैं इनकी शासन के लिए, तो कम से कम शासन कुछ तो इनके प्रबंध करे पढ़ाई लिखाई के। नाबालिग बच्चे हैं, इनके भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? हम शासन से मांग करते हैं कि भाई इनके भरण पोषण। पोस्टमार्टम में देरी हुई? पोस्टमार्टम तो आज ही हुआ है, पोस्टमार्टम में तो देरी नहीं, लेकिन लास्ट आधे घंटे का हो गया, लास्ट देने में देर की, एक डेढ़ घंटे देरी से हमें उसका शव दिया गया। क्या नाम है आपका? सुरेश। हमारे माँ बाप भी नहीं है, पति भी नहीं है, छोटी बच्ची है, दूर दूर ड्यूटी लगाते हैं, बताइए 12,000 रुपया में कैसे आना जाना करेंगे, व्यवस्था कैसी होगी, रह के लेते 3,000 के नीचे कोई कमरा नहीं मिलता, खाने पीने की व्यवस्था, घर को हम क्या देंगे, क्या बच्चे पाल लेंगे, क्या पढ़ाई लिखाई करें, कैसा उनका भविष्य बनाएंगे, ये बताइए आप। प्रशासन को सुन नहीं रही, अधिकारी हमारा कुछ सुन नहीं रहा, क्या करें बताइए। लखनऊ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? ये जो ड्यूटी दूर तक लगी थी बीमार थाने में इस जवान की, नाइट में ड्यूटी की, ठंड लग गई इसको, ये खत्म हो गया, ये छठवां जवान खत्म हुआ इस तरह से। पिछले महीने में यातायात में एक ड्यूटी लगी थी, वो भी नाइट करके गया था, वो भी खत्म हो गया था, ऐसे ही ठंडी उसके भी लग गई थी, 27 दिन ड्यूटी कर पाई। आदमी इसको चंदा बताइए, इनको कोई व्यवस्था नहीं।